गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. दैट मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और हाउ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्विस. सो क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स में सबसे पहले आता है बिजनेस वैल्यू, द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू मैच द कॉस्ट ऑफ सर्विस टू द कंजम्पशन डिफरेंशिएट क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम अदर इंटरनेट सर्विस एंड थ्रू द क्रिटिकल. This feature creates a new value for the business services and enables to develop of new business models which have never been tried till now. As a cloud is not a kind of resource expense which can be replaced by means of working cost. So business values के अंदर आपके flexibility and ability को match करने के लिए, that means कि आपका जो business चल रहा है उसके अंदर जो आपका cost रहता है, जो आपका profit and loss रहता है, उसके ऊपर जो है आपकी services dependent रहती है. इन केस अगर आपके बिजनेस वैल्यूज़ में आपके फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपके प्रोडक्ट जो चेंज हो रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हो रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सर्विस उसके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप लोग ऐसे टाइम पे क्लाउड के सर्विसेज यूज़ करना बंद करोगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके बिजनेस वैल्यूज़ कैसे है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लाउड को जो है यूज़ करते हो. सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसके ऊपर आपकी ऑन डिमांड सर्विस जो है डिपेंडेंट रहती है. सेकेंड इज़ सर्विस डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉय करना यानी आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपका एक फाइनल एप्लीकेशन बना है उसको कस्टमर तक पहुंचाना या फिर ये एक एंड पॉइंट रहता है यानी इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट या फिर जो आपका एप्लीकेशन है ये रिलीज़ होता है. डिप्लॉयमेंट का मीनिंग होता है रिलीज़ होना. सो सर्विस डिप्लॉयमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंस्टेंस आउटपुट. एज अ कस्टमर can get service within a few minutes only but payment has not been done instantly all the way through the typical manual itself. So service deployment यानी क्या है कि जहाँ से आपका जो product या फिर जो आपका cloud है जो आपका storage है वो release होना start करता है. For example जैसे कि suppose आपका आज recharge ख़त्म हो गया है तो आपकी सर्विस उसी दिन जो है बंद नहीं होती. एक तो पहले आपको रिमाइंडर मैसेजेस आते हैं दो दिन पहले तीन दिन पहले कि आपका रिचार्ज जो है ख़त्म होने वाला है. देन आज अगर उसका लास्ट ड्यू डेट है तो आपको पूरा दिन जो है मैसेज आता रहता है यानी आपको एक इंस्टेंट आउटपुट मिलते हैं कि आपका जो रिचार्ज है जो आपकी सर्विस है यह बंद होने वाली है. देन उसके बाद जब आपका सपोज 12 बजे के बाद आपकी सर्विस बंद हो गई है तो आप लोग जब तक पेमेंट नहीं करोगे मैन्युअली तब तक आपकी सर्विस जो है स्टॉप की जाती है यानी आपकी सर्विस जो डिप्लॉय हो रही है वो स्टॉप होती है बाय कंपनी. परमानेंटली आपकी सर्विस स्टॉप नहीं की जाती, बस कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए आपका जो आउटपुट आता है सर्विस का उसको होल्ड किया जाता है, ना कि आपकी सर्विस बंद की जाती है. जैसे आप लोग रिचार्ज करोगे आपकी सर्विस फिर आपका मोबाइल का रिचार्ज रहे, आपका वाईफाई का रिचार्ज रहे, आपका डीटीएच का रिचार्ज रहे, ये सब चालू हो जाते हैं यानी आपकी सर्विस होल्ड की जाती है. तो सर्विस डिप्लॉयमेंट का मीनिंग ये रहता है कि जैसे आप लोग पेमेंट करोगे विद इन सेकेंड आपकी सर्विस जो है रिस्टार्ट हो जाती है. देन सेल्फ सर्विस डिप्लॉयमेंट. Spontaneous and well-defined service provided by the cloud computing can be utilized independently by the customers. All those are the fundamentals imply on a fully automated service provision and for the customer it means service is in your hand, take or leave it. Okay, simply. जैसे आपके पास दो ऑप्शन रहता है, एक रहता है प्रीपेड एक रहता है पोस्टपेड. प्रीपेड में आप लोग पहले पे करो देन सर्विस आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना है लीव इट. पोस्टपेड में आप लोग पहले सर्विस को यूज़ करते हो देन यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विस. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप लोग सर्विस को पहले यूज़ करते हो और देन आपको जब उसको पेमेंट करना है कस्टमर मोस्टली इग्नोर करता है वो चीज़ को. फिर वो उसके अंदर ड्रॉबैक निकालेगा कि मुझे सर्विस अच्छे से नहीं मिली थी देन या फिर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, मुझे बिल ज़्यादा आया है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है. तो ऐसे टाइम पे जो थर्ड हमें ऑप्शन मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स में दैट इज़ सेल्फ सर्विस यानी पहले यूज़ करो पहले पे करो देन यू हैव टू यूज़ इट इफ़ यू वॉन्ट देन इफ़ यू
डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ इट देन लीव इट, बट पे करो। इससे क्या होता है, एक तो कस्टमर होल्ड होता है कंपनी के पास, देन हमने पहले से ही पेमेंट किया है, इसके लिए हमें कंपनी अश्योरिटी देती है कि आपकी सर्विस जो है आपके हाथ में है, आपको उसको यूज़ करना है, क्लियर नहीं करना है छोड़ दीजिए, बट सर्विस आपको अप टू डेट मिलेगी। तो ये आपको एक इसका बेनिफिट मिलता है। और ये जो सेल्फ सर्विस रहती है या फिर सेल्फ पेड जो सर्विस रहती है, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मिलती है एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मिलती है। इसके अंदर है कि आप पहले से ही क्लाउड को ख़रीदो, जो स्पेस आपको चाहिए वो, जो स्टोरेज आपको चाहिए वो आप लोग परचेस करके लो। परचेस किया हुआ जो भी आपका स्पेस रहेगा, अभी ये आपके ऊपर है कि आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, अगर आपको उसको वैसे ही ब्लैंक रखना है आप उसको वैसे ही रख सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑन डिमांड सर्विस। मुझे चाहिए, इसके लिए मैंने ख़रीदा, अभी मुझे उसको यूज़ नहीं करना है या फिर करना है, दैट इज़ अप टू कस्टमर। नाउ अ डेज अ पार्ट ऑफ द रैपिड ग्रोथ, द ट्रेडिशनल कंसेप्ट हैज़ बीन रिप्लेस बाय ऑन डिमांड सर्विस एंड दैट्स वाई जेन्युइन प्रोस्पेक्टिव ऑफ SaaS हैज़ बीन नॉट फुलफिल इन अ प्रॉपर वे, एज इन फैक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर सिंपली रीब्रांडेड और जस्ट रीपैकेज बाय द वेंडर्स। तो सबको पता है कि कैसे हम लोग पहले की तरह ज़्यादा जेन्युइनली अपना बिजनेस नहीं करते हैं। तो SaaS का मीनिंग रहता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो हमने आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है वो सॉफ्टवेयर वैसे ही वर्क करेगा, ये एक एश्योरिटी रहती थी पहले। अभी ऐसे है कि सॉफ्टवेयर सेम ही रिलीज़ होते हैं मार्केट में, बस उसके अंदर थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस करते हैं, एक दो फीचर जो है इंक्रीज़ करते हैं और कस्टमर को रीब्रांड करके उसको रिलीज़ करते हैं या फिर मार्केट में लाते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है या फिर वो सॉफ्टवेयर का वैसे ही यूज़ करता है। मतलब कि हम लोग ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को वैसे ही रीब्रांडेड इसमें यूज़ करते हैं। सिमिलरली टू प्रॉफिट फ्रॉम द वेव ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, प्री एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हैव बीन रीब्रांडेड विदाउट एनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी। टू डू दिस ऑल द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड वॉशिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय द वेंडर टू कन्विंस द डिसीजन मेकर्स ऑफ एनी बिजनेस और एनी IT इंडस्ट्री दैट हाउ द स्ट्रैटेजी इज यूजफुल टू मेंटेन द सॉफ्टनेस स्विफ्टनेस विद द लेटेस्ट इन्वेंशन एंड मार्केट प्लेस। तो पहले ऐसे रहता था कि आप लोग जितना ऑन डिमांड सर्विस करोगे उतनी सर्विस जो है आपको प्रॉपर दी जाती थी क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ से। फंडामेंटल्स में चेंजेस आने के बाद, यानी कि जैसे कि कस्टमर्स पे नहीं करते थे या फिर कस्टमर को सर्विस ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, तो कस्टमर को सिर्फ होल्ड करने के लिए कंपनी क्या करने लगी, उसको रीब्रांड करने लगी, यानी उसके अंदर थोड़े बहुत एक दो फीचर्स ऐड करेंगे, कस्टमर को अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे और कस्टमर को वो सेम कंसेप्ट जो है उसको बेच देंगे। तो यही होता है नॉर्मली, और ये सेल्फ सर्विस के वजह से होता है। मतलब जैसे कस्टमर ने सेल्फ सर्विस यूज़ करना स्टार्ट किया, उसके बाद से कस्टमर को रीब्रांडेड करना कंपनी ने स्टार्ट किया, बिकॉज अभी कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बिजनेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है कि अभी वो जो लोग क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अभी आप लोग जैसे दोगे हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव डोंट टाइम टू आर्ग्यू विथ यू। ये पॉलिसी रहती है कंपनी की, आप जैसे हमें दोगे हम लोग वैसे उसको परचेस करेंगे। ये सेल्फ सर्विस का एक डिसएडवांटेज भी रहता है, ये थर्ड फंडामेंटल है। देन उसके बाद फॉर ऑल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द क्लाउड इन्वायरमेंट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड स्केलेबिलिटी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग For the effective functioning, the cloud needs to be designed with the provision of everlasting abstract scalability which can be controlled by the service. If included in the architecture of the cloud-based application, the service itself manipulates as a scalable architecture design of an application. This is why cloud-based application essentially requires scalable architecture design. तो जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताया कि कस्टमर को रीब्रांडेड करके सर्विसेज दी जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको अगर नहीं आना है या फिर आपकी इंडस्ट्री है, आपका कोई भी अगर सेल्स के लिए अगर आपने क्लाउड लिया हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको क्लाउड स्केलेबल करके लेना चाहिए। क्लाउड स्केलेबिलिटी यानी क्या, आपके क्लाउड को आप लोग कस्टमाइज वे से जो है डिज़ाइन करो और फिर उसको परचेस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग कस्टमाइज मोबाइल खरीदते हैं या फिर कस्टमाइज टैबलेट खरीदते हैं, कि एक रहता है कि एक प्रोडक्ट उनका मार्केट में आया रहता है कि उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग रहती है, उसके कुछ फीचर्स रहते हैं,
देन हम लोग क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फीचर्स को और इंक्रीज करके उनके पास से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी बाइक है, आपकी कार है, तो आप लोग क्या करते हैं उसके अंदर कुछ फीचर्स को और ऐड करके एक्स्ट्रा पे करके आप लोग उसको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके अपने हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट को लेते हो। इसको कस्टमाइज सर्विस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता है बट आपकी जो सर्विस रहती है वो अप टू डेट आपको मिलती है। देन अगर आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, आपका जो डिज़ाइन रहेगा, जो भी आपका क्लाउड का डिज़ाइन रहेगा, वो अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए तो आपके पास वही सेम चीज़ें हैं या फिर वही तीन मॉडल्स अवेलेबल है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्योंकि ये ऑन डिमांड सर्विस है तो आप लोग जैसे डिमांड करोगे आपको वैसे क्लाउड मिला जाएगा, बट आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इससे आपको कस्टमाइज क्लाउड भी मिलेगा, प्लस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा आगे जाके कि कंपनी जो सर्विस दे रही है उससे अच्छा आप लोग जब कस्टमाइज सर्विस यूज़ करोगे आपको बेटर ऑप्शन मिलता है। तो ये आपके तीन फंडामेंटल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो बहुत इसेंशियल रहते हैं। बिजनेस वैल्यूज़, यानी आपको याद रखना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस को यूज़ करना है। सर्विस डिप्लॉयमेंट, जैसे ही आपको सर्विस मिलती है आपको उसका इंस्टेंट पेमेंट करना चाहिए, अदरवाइज आपकी सर्विस जो है होल्ड की जाती है। देन सेल्फ सर्विस डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग कस्टमाइज सर्विस यूज़ करो या फिर सर्विस इज योर हैंड टेक और लिव, यानी पहले कस्टमर को पे करना रहता है देन वो सर्विस को यूज़ करेगा। देन अगर आपको कस्टमाइज सर्विस को यूज़ करना है तो आपके पास तीन मॉडल्स है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। देन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।